नमस्कार, एनबीएससी न्यूज 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। टोंक जिले के ग्राम पंचायत बरौनी में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें एक गरीब लुहार रामफूल को 6 माह पूर्व मृत घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, लापरवाह अधिकारियों ने बिना जांच पड़ताल के उसकी पेंशन भी बंद करवा दी। अब ऐसे में वह कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार है, साथ ही उसके गुजर बसर का एकमात्र सहारा पेंशन बंद होने से उसके समक्ष दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया है। कोई सुनाई नहीं करता, पंचायत में जाकर भगा देता है कि भग जाओ। क्यों काई थी? बड़ा शेर है, बड़ा शेर है। नहीं, ये बताओ, आपकी क्या उसमें आपको मरा हुआ घोषित कर रखा है? हाँ, मैं कह दिया हुआ पंचायत। ऐसे में वह आसपास के गांव से मांग कर अपना और परिवार का पेट भर रहा है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब पीड़ित बैंक में पेंशन लेने गया और बैंक वालों ने मना कर दिया। इसके बाद उसने ई मित्र पर पहुंचकर अपनी पेंशन की स्थिति को देखी तो उसके होश उड़ गए। ई मित्र वाले ने कहा कि उसे कई महीनों पहले ही मृत घोषित कर दिया गया है। अब ऐसे में अपने आप को जिंदा बताने के लिए पीड़ित विभागों की दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन प्रशासन उसकी एक भी नहीं सुन रहा। पीड़ित अपने परिवार के साथ बरौनी में रहता है। पीड़ित रामफूल लुहारने ने बताया है कि इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत प्रशासन से संपर्क किया और आधार कार्ड लेकर जाकर उन्हें बताया कि साहब मैं अभी जिंदा हूं, लेकिन लापरवाह अधिकारियों ने कोरोना काल का हवाला देकर उसे वापस भेज दिया। पीड़ित का कहना है कि एक तरफ प्रशासन ने मेरे को मार दिया है, दूसरी ओर परिस्थिति ने आखिरकार मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। वहीं प्रशासन की कुंभकर्णी नींद परिवार पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए एनबीएससी न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।